सो है फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू गेट अनदर अपडेट ऑन माय चैनल। इट्स मी द वेलोशियस सैंग्विन राइडर बैक विद अनदर वीडियो। सो एज यू कैन सी टुडे वी हैव द अपाची 160 RTR, द BS3 वेरिएंट, एंड यस दिस इज द 2016 मॉडल। आई डोंट रिमेंबर इट इज़ द 2016 और 2015 मॉडल, बट दिस बाइक हैज़ कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, सो मे बी 2016 ओनली। और आप बाइक की कंडीशन देख ही सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रिव्यू एंड लेट्स एंजॉय द सिनेमैटिक शॉट्स एंड देन After that, we'll review the bike. सो हेलो माई यूट्यूब फैमिली, और आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा सिनेमैटिक शॉट्स को, क्योंकि बाइक के लुक्स तो हमेशा से ही झकास रहे हैं। और अपाचे हमेशा से ही एजी और ग्राफिक्स के डिज़ाइन के साथ फेमस रही है, क्योंकि जब से ये फेसलिफ्ट अपडेट आया तब से उसके बाद से बाइक ने धूम मचा के रख दी है। पहले भी काफ़ी अच्छी सेल्स थी, बट अब तो और ज़्यादा ही अच्छी हो चुकी है। सो बाइक के बारे में बात करते हैं, तो बाइक के अंदर आपको एकदम स्ट्राइकी एजी टाइप का डिज़ाइन मिल जाता है। बाइक के आप लुक्स देख सकते हैं, एकदम शार्प क्रीजेस एंड कट्स आपको पूरी गाड़ी में दिखाई पड़ेंगे आगे से पीछे तक। कहीं पे भी आपको कोई बल्की एरिया नहीं दिखाई पड़ेगा जैसे आपको पल्सर में दिखता है। बाइक में आपको ब्लैक पैनल मिलेगा बैटरी के ऊपर, और उसके बाद सीट्स आपको कंप्लीट लॉन्ग सीट मिलती है इसमें। और टैंक फिलिंग कैप के आगे आपको ये विनाइल टैग का ट्रीटमेंट मिलता है, प्लास्टिक का ये एक पार्ट मिलता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग यूनिट है, जिसमें कि आपको कई सारी टेलटेल लाइट्स मिल जाती हैं, RPM लिमिट मिल जाती है। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें टॉप स्पीड रिकॉर्डर है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है अपाचे की, क्योंकि ये उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा फीचर था। गाड़ी के फ्रंट लुक की अगर आप बात करेंगे तो इसमें एक DRL का सेटअप दिया हुआ है, मतलब डबल DRLs है जो कि पायलट हेडलाइट्स हैं इस गाड़ी की। और उसके बाद एक हेलोजन लैंप मिलता है उस टाइम के हिसाब से, आज भी इसमें हेलोजन नहीं मिल रहा है, LED नहीं मिल रहा है। साइड लुक अगर आप गाड़ी का देखेंगे तो इसमें वही पुरानी ग्राफिक्स दी गई। इंजन काउल के ऊपर आपको HyperH की ब्रांडिंग मिल जाती है, और इंजन स्पेसिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस पहले से नहीं आया है, सिवाय एक चीज़ के गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है अब। और गाड़ी के साइड लुक में एक और चीज़ है जो बहुत इसको अट्रैक्ट करती है, वो है इसका साइलेंसर। सो साइलेंसर की आवाज़ बहुत अच्छी है, साइलेंसर का एग्जॉस्ट नोट काफ़ी थ्रोटी है, काफ़ी बेसी है, और काफ़ी हैवी टाइप का साउंड इसमें आता है। RTR की बैजिंग आपको इसके मफलर पर देखने के लिए मिल जाएगी। एंड अनलाइक अदर बाइक्स, इसमें एक चीज़ और है जो बहुत अट्रैक्ट करती है, डाईकास्ट एल्यूमिनियम का इसका फुटरेस्ट बैकरेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि और सारी बाइक्स में आपको रबर का मिलता है वो उतना अच्छा लुक नहीं देता है। और गाड़ी की टेल लाइट की बात की जाए तो ये फूट चुकी है, एक रिक्शे वाले ने दारू पी के इसको ठोक दिया था, उसके बाद इसकी ये हालत हो चुकी, तो एक नुकसान हो गया, टेल लाइट खरीदनी पड़ जाएगी अब। और बैक आपने देख ही लिया गाड़ी का बैक लुक कैसा है। टायर्स इसके अंदर जो कंपनी से मिलते थे वो उस टाइम TVS के रेमोरा टायर्स मिलते थे, ये C8 का टायर इसमें दोबारा लगाया हुआ है, नया टायर है ये। सो गाड़ी के ओवरलुक की अगर बात की जाए तो ओवरलुक पूरा हम लोगों ने कम्प्लीट कर ही लिया है, गाड़ी के सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया गया है पूरे तरीके से। नाउ लेट्स कम टू द इंजन स्पेसिफिकेशंस, एंड इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 160 cc का इंजन मिलता है, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट 159.65 cc है। और BHP जो इस गाड़ी को जो BS3 मॉडल प्रोड्यूस करता था उस टाइम पे वो था 15.4 BHP। टॉर्क जो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती थी वो था 13.6 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट दैट टाइम इन 2016। सो पावर फिगर्स इस गाड़ी के बहुत ज़बरदस्त हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5 पॉइंट्स व्हाई यू शुड बाय द अपाचे 160 RTR इन द 2020, वेदर दिस बाइक gives you the value for money tag, and whether this bike stands out still alone in the track and still begins with the competition that give a tough competition to every other 160 or 150 cc bike. So let's get started with those 5 points why you should buy the Apache RTR in 2020. So first and foremost is the looks and the design of this bike. So looks के मामले में इस गाड़ी को बहुत अच्छे marks मिलेंगे, क्योंकि इस bike को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, इसमें कई सारी चीज़ें का ध्यान रखा गया है, स्टाइल कट्स एंड क्रीजेस डिज़ाइन एंड ऑल्सो द एरोडायनामिक्स ऑफ दिस बाइक। सो सारी चीज़ें इस गाड़ी को बहुत कंप्लीट पैकेज बनाती है लुक्स और डिज़ाइन के मामले में। सेकेंड थिंग इज़ द कम्फर्ट एंड एरोडायनामिक्स ऑफ दिस बाइक। सो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप कोई भी गाड़ी खरीद लें, आप उसमें सबसे पहले ये चीज़ सोचते हैं कि बाइक कंफर्टेबल होगी कि नहीं। एट द सेम टाइम आपको उसी गाड़ी से परफॉर्मेंस भी चाहिए, एट द सेम टाइम आपको उसी गाड़ी से
एक थोड़ा बहुत राइडिंग पॉस्चर भी अच्छा चाहिए। सो मुझे लगता है सारी चीज़ों का ब्लेंड है इस बाइक के अंदर। इस गाड़ी के अंदर आपको एक अच्छा स्टांस मिल जाता है, एक आपको अच्छा कंफर्टेबल पॉस्चर मिल जाता है। उसके साथ ही साथ ये गाड़ी थोड़ी स्पोर्टी भी है, तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के बैठते हैं, बहुत ज़्यादा झुक के नहीं बैठते, एक मीडियम हाइट का आदमी इसमें बहुत कंफर्टेबली राइड कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज सीट्स काफ़ी कुशनी है, काफ़ी वाइड सीट्स हैं और एक स्टांस भी, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है सीट के अंदर। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको इस बाइक के अंदर इतना फीचर मिल रहा है, उसके साथ ही साथ कंफर्ट भी मिल रहा है। नाउ विल कम टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट विच इज़ माई फेवरेट पॉइंट, दैट इज़ द पावर फिगर्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली BS6 होने के बाद भी वो पावर फिगर्स चेंज नहीं हुए हैं। सो पहले आपको इसमें मिलता था 15.5 और 15.6 BHP का हॉर्स पावर, अभी भी आपको 15.53 का हॉर्स पावर मिल जाता है इस बाइक में BS6 होने के बावजूद। 13.6 या 13.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एट दैट टाइम आपको अवेलेबल था इस बाइक में। 13.9 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आज अवेलेबल है इस गाड़ी में 2020 एडिशन में। दैट इज़ माइंड बॉगलिंग, इट्स अ कम्प्लीट डिजास्टर विच TVS इज़ डूइंग राइट नाउ। BS6 कंप्लाई होने के बावजूद गाड़ी के फिगर्स में कोई चेंज नहीं आया। पार फोर्थ एंड द मोस्ट बेसिक पॉइंट जो हम सबकी पॉकेट्स को बहुत आराम देगा, येस दिस इज़ द एवरेज। एवरेज इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, आराम से आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो 44 से 46 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको मिल जाएगा। बहुत आप इसको रफ चलाएंगे तो इसमें आपको 40 किलोमीटर का एवरेज ऑलमोस्ट मिल जाएगा आराम से। अगर आप इस गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाते हैं 50 टू 60 की स्पीड में, अगर आप इस गाड़ी को लेकर हाईवे पर क्रूज़ कर रहे हैं, इस गाड़ी में आपको 50 प्लस एवरेज मिलेगा। एवरेज इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, कंपेयरिंग टू एनी 150-160 सीसी बाइक एवरेज इसका एकदम ज़बरदस्त मिलने वाला है आपका। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई यू शुड बाय दिस बाइक इज़ द प्राइस ऑफ दिस बाइक। 99,000 रुपीज़ इस गाड़ी का प्राइस है अगर आप एक फ्रंट डिस्क वाला वेरियंट लेते हैं, और अगर आप डबल डिस्क वाले वेरियंट की तरफ जाते हैं तो 1,02,000 एक्स शोरूम प्राइस है इसका, विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्राइस फॉर दिस बाइक। तो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियोस को, सो ताकि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, बी सेफ एंड स्टे सेफ़।